अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। ई क्लास 2022 AMG ये गाड़ी है और इस गाड़ी को इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में, लेकिन ये गाड़ी 2009 में इंपोर्ट हुई थी, 2022 में नहीं हुई थी। मैं बात कर रहा था कि ये गाड़ी अब अगर आप नई इंपोर्ट करवाते हैं तो ये 4.5 करोड़ की इंपोर्ट होगी, और अगर आप 2009 गाड़ी पाकिस्तान में खरीदते हैं तो वो 90 लाख की होगी। अब ये 90 लाख वाली गाड़ी जो है 4.5 करोड़ की बन चुकी है, सिर्फ इसका फेस अप लिफ्ट किया है, इसकी लाइट चेंज की है, और ये कितने दिन में तैयार हुई है ये शहजाद भाई मेरे साथ ही हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। मर्सिडीज आपने 2009 को 2022 मॉडल बना लिया, ये क्या करने क्या जा रहे हैं आप? हम बस डिफरेंट करना अच्छा लगता है, ठीक है, हम लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं दुबई में ऐसा होता है, फलां जगह ऐसा होता है, लिबनान में कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही है और पाकिस्तान में हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब आपने ये गाड़ी ली तो उस वक्त इसकी कंडीशन कैसी थी? 2009 मॉडल है, एक्चुअली 2009 से 2013 तक आई थी, 13 का फेस अप लिफ्ट है, ठीक है, जो 2021-22 में आया है, सही, वो वाली हुई गाड़ी, ठीक। और ये कितने दिन का टाइम कितना लगा, इसका टाइम पीरियड क्या है? 5 से 6 दिन लगे। 5 से 6 दिन में ये नई शेप में गाड़ी तैयार हो गई। अच्छा, ये पहली गाड़ी आप लोगों ने तैयार की मर्सिडीज का फेस अप लिफ्ट किया है? ये थर्ड वन है। आपका थर्ड प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने कंप्लीट किया, इससे पहले आप 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है, तीसरा भी हमने किया। अच्छा, पहला भी हमने अलहमदुलिल्लाह किया, दूसरा भी, तीसरा भी हमने किया। ये तीसरी गाड़ी इन्होंने तैयार की, तो ये भी इन्हीं के ही अदारे को क्रेडिट जाता है कि जो जर्मन गाड़ियों के अब फेस अप लिफ्ट करना शुरू कर दिए। इस पे बजट कितना आया है? इसके अंदर बजट आया तकरीबन 9 लाख। 9 लाख में पेंट, ठीक है, इंस्टॉलेशन विद एवरीथिंग, ठीक। अगर ये मॉडल आपके पास कोई बंदा आता है गाड़ी करवाने के लिए तो वो 1 हफ्ते में नई गाड़ी बना देंगे आप? जी, 1 हफ्ते में ले जाएगा। इसका जो डिजाइन है आप बता रहे हैं कि जो 16 करोड़ की गाड़ी है ये उसके साथ मिलता जुलता है? हाँ, ये मिलती जुलती गाड़ी है। एक्चुअली मर्सिडीज ने भी यही कर दिया, BMW ने यही कर दिया। हाँ। जो इनका एस क्लास, ई क्लास और सी क्लास, हाँ, वो तीनों की शेप एक ही है। यानी कि जिस बंदे ने 9 लाख रुपया लगा दिया तो वो शिशके करेगा, 16 वाले भी शिशके होंगे और तो वो 4-4.5 करोड़ वाले, 4.5 करोड़ वाले, लेकिन एक बट इसका बम्पर सेम वैसा ही है जैसा 16 करोड़ वाली का। तो यानी कि गाड़ी आप कुछ भी उसमें कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे गाड़ी डी वैल्यू हो, गाड़ी फिटिंग टू फिटिंग जाता है, जो सामान होता है वो आप फिटिंग टू फिटिंग फिट करते हैं? ये कोई कट एंड वेल्डिंग है। हाँ। गाड़ी अगर हमारा क्लाइंट कल को चाहे बेचते हुए इसे रिस्टोर करना, हाँ हाँ, तो ये रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसे कहें कि अगर ये वापस उसी शेप में करनी है, ठीक है, तो शायद 2 घंटे में वापस, 2 घंटे में गाड़ी वापस उसी शेप में आ जाएगी। ये तो जस्ट एक ऑप्शन है ना जी, कि गाड़ी रिवर्स भी हो सकती है, रिस्टोर भी हो सकती है, ठीक है, बट कराना किसने है? कराना कौन चाहेगा कि नई शेप को पुरानी शेप में लेके जाए, नई शेप में आई भी जवानी को वापस ही बुढ़ापे में लेके जाए। यानी कि इस वक्त ये जवान है और इसे बुढ़ापे में क्यों पुरानी शेप में जाएंगे, नई शेप को के साथ ही एंजॉय कर। ये बताएं कि ये गाड़ी आपने इस दफा इसका जो फेस अप लिफ्ट किया है ये तीसरी गाड़ी है, सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी आपको बहुत पसंद है, क्या वजह है, पसंद क्यों है? यार इससे पहले मैंने ब्लैक गाड़ियां की थी। अच्छा, मुझे लगता है ब्लैक गाड़ी भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो पेंट वर्क और जो इंस्टॉलेशन और जो व्हाइट कलर में जितनी गाड़ी अच्छी लग रही है, लग ही नहीं रही कि ये मॉडिफाई हुई है, ये लग रही है जैसे कि जैसे ओरिजिनल मॉडल और ओरिजिनल, और ये इंपोर्ट की है। इसमें जो रिम डालने हैं वो 18 इंच के रिम है, ठीक है, ठीक है, लेकिन चूंकि रिम इसके जो ओरिजिनल थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक, बड़े ऑकवर्ड से लग रहे थे, फिर से ब्लैक पेंट किया, ये साइड मिरर इसमें चेंज किए गए, सही है। बैक से देखें जी, E63 ये गाड़ी AMG बैक से, इसकी बैक लाइटें देखें, वही 2022 में डाली गई है। इसके ये टिप्स देखें, ये AMG वाले टिप्स हैं, ये इसका डिफ्यूजर देखें, ये पियानो ब्लैक इसके साथ पूरी शेड इसका बना है बिल्कुल। एक चीज और, क्या आप सर्विस तो अच्छी दे ही रहे हैं, गाड़ी भी बड़ी जबरदस्त तैयार कर रहे हैं, प्राइस वाइज भी कोई बेहतर है या ज्यादा प्राइस है दूसरी की निस्बत अगर हम कंपेयर करें तो? मुझे ये लगता है कि जितने पैसों में जो कुछ हम करके दे रहे हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो दुबई है, सऊदी अरब है, कि कोई और मुल्क है, वो हमारी प्राइसेस को बंदा कम्पीट नहीं कर सकता। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे पास 2 टुंड्रा फेस अप लिफ्ट हो रहे हैं जो कि 2005 मॉडल हैं और 2024 में हो रहे हैं, और वो 2 हैं और इकट्ठे हो रहे हैं,
बहुत जल्द उसकी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। बिल्कुल आएंगे जनाब। ये बात करने का मकसद ये है कि वो जो अमेरिकन ट्रक है, अमेरिकन ट्रक कोई भी बंदा तैयार नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो पे आप देखेंगे। मुझे और शहजाद भाई को इजाजत दें, नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।